हाँ हाँ नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। क्या आप मेरे साथ नवरात्रि खेलने के लिए तैयार हैं? देन लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। आपको सबको मिलेगा फ्री पासेस मेरे नवरात्रि के लिए। तो चलो लेट द गेम बिगिन। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो विद द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि कई बार मैं बहुत सारी चीजें अपडेट्स लेकर आता हूँ और स्टूडेंट पूछे सर आपने ये चीज दी नहीं, और वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे होती है। तो प्लीज स्टे सब्सक्राइब्ड। एंड दूसरा है डू लाइक, अगर आपको मेरा ये वाला इनिशिएटिव, जी हाँ रिवीजन शेड्यूल आ चुका है और ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगने वाला है, देन डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है पब्लिक। सो यो वी आर विद द सीए फाइनल एएफएम रिवीजन शेड्यूल लाइव ऑन यूट्यूब। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स जितने भी एएफएम में सारे चैप्टर्स को मैं करवाऊंगा एक 9 डे बोनांजा में। तो 9 डेज की नवरात्रि एंड 9 डेज का होगा ये रिविजन शेड्यूल। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी दैट विद इन द कमिंग 9 डेज मैं ये सब कंप्लीट करवा दूं। सो टुमारो विच इज 19th of September से मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिविजन सेशंस ऑफ सी ए फाइनल AFM, मेजर फोकस ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। और उसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, फॉर श्योर आप कमेंट कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पूरा स्केड्यूल बना दिया, टेंटेटिव है, हो सकता है स्केड्यूल थोड़ा कभी ऊपर नीचे हो जाए, सो आई विल कीप यू इन्फॉर्म इन एडवांस। फॉर नाउ कल के सेशन के लिए मैं टाइमिंग रख रहा हूँ इवनिंग 9 PM to 11 PM। मैंने आप लोगों के साथ पोल किया था एंड वहां पे ये पोल में मुझे मेजोरिटी 9 to 11 का आंसर है, सो आई विल अधियर टू इट। उसके बाद आने वाले सेशंस का जो भी टाइमिंग होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे एक बात आप लोगों को बता दूं दैट मैंने ये सेम चीज आज से 1-1.5 साल पहले SCMP के लिए की थी एंड यू विल नॉट बिलीव दैट जस्ट बाय डूइंग दिस सेशंस 25 to 30 marks एज इट इज क्वेश्चंस केम इन द एग्जामिनेशन। यू नेवर नो, यू माइट ऑल्सो बी द लकी वन। जो अपन लोग ये करके जा रहे वही आ जाए। अब इसमें अपन लोग कैसे क्या करने वाले हैं, सो देखो मैंने क्या किया है, प्लानिंग के साथ ये किया है। पहले एडवांस कैपिटल बजेटिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जिसमें लोगों को तकलीफ होती है, दिखती नहीं है बट होती है, म्यूचुअल फंड्स जो काइंड ऑफ मैनेजेबल है बट म्यूचुअल फंड्स में MCQ आने का चांसेस है। तो मैंने ये पहले 3 टॉपिक लिया है, अब उसका एक टेस्ट रखूंगा मैं संडे को। फिर बाद में डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और IRRM IFM, ये पूरा का पूरा हो गया मेरा Phase 2, और फॉरेक्स डेरिवेटिव्स जिसको अपन बोलते हैं उसके बाद उसका भी एक टेस्ट रखूंगा। फिर बाद में आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, और फिर उसका भी टेस्ट रखूंगा। टेस्ट का डिटेल्स क्या है ये आप लोगों को बहुत जल्द मैं मेरे ही चैनल पे आप बताऊंगा, सो नॉट टू वरी। अच्छा सर नोट्स कहाँ पे मिलेंगे हमारे को ये सारे? तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप ये शेड्यूल को ओपन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोगों को सारे के सारे नोट्स मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कमेंट्स में वो लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। बट उसके पहले ये सेशन में मैं क्या फोकस करने वाला हूं और आप लोगों को क्या कुछ होमवर्क करके आना है, ये मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं। प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल द एंड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सो मेरा फोकस है यहाँ पे किस चीज के ऊपर, यस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर जो अपन सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तुम लोग को सॉल्व करवाऊंगा उसके पहले आप लोगों को चीजें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कंप्लीट माय रिवीजन लेक्चर्स फर्स्ट। मैं कल एडवांस्ड कैपिटल बजेटिंग के सारे प्रैक्टिकल एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाऊंगा, बट उसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लीज एंश्योर करना कि एडवांस कैपिटल बजेटिंग का जो रिविजन लेक्चर है वो कहाँ पे है, वो ये रहा। तो ये रिविजन लेक्चर प्लीज तुम लोग प्रॉपरली देख के रखना। Why? For a simple reason that आप लोग का कनेक्ट अच्छा बैठेगा, क्योंकि मैं फॉर्मूलाज उस रिवीजन लेक्चर में करवा चुका हूं। यहां पे अपन लोग सीधा कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स कर पाएंगे मैक्सिमम कवरेज इफ दैट थिंग इज डन। सो प्लीज राइट इन द कमेंट्स दैट यस आई प्रोमिस दैट आई विल वॉच द रिविजन लेक्चर बिफोर दिस सेशन बिगिंस। ठीक है ना, बस उतना एक आप लोग के पास से कमिटमेंट चाहिए मेरे को। फिर बोला है मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज दैट, पहले ये पॉइंट देख लो, कमेंट इफ एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन टू बी डन फ्रॉम मॉड्यूल। अब मैं मेरे हिसाब से मेरा एक नोट्स बना के आपको दूंगा जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि सारे मास्टर सम्स ले लूं जिससे आपका सारा कवरेज हो जाए उस चैप्टर का। बट हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा हो, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट अगेन हियर।
दैट सर एडवांस कैपिटल बजटिंग में मॉड्यूल में से, मॉड्यूल एक कॉमन चीज है सर, मॉड्यूल में से क्वेश्चन नंबर 25 प्लीज करवा देना, ये हमारे को प्रॉब्लम लग रहा है। तो ऐसे अगर मुझे लगा कि भाई कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आए हैं काफी सारे लोगों से, आई विल एंश्योर दैट वो भी अपन लोग कर रहे हैं साथ में। फिर मैंने एक रखा है टेस्ट आफ्टर 3 चैप्टर्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये 3 के बाद एक टेस्ट है, ये 3 के बाद एक टेस्ट है, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के बाद एक टेस्ट है। सो ये टेस्ट का भी जो भी आइडिया है मैं आप लोगों को मेरे लेक्चर्स में देते जाऊंगा, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपन लोग इसको प्रॉपरली कर लेते हैं ना, देन इन दैट केस देयर इज नो लुकिंग बैक एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू स्कोर द मैक्सिमम। अगर आपका एक ग्रुप है तो पूरा ग्रुप निकल जाएगा, और दोनों ग्रुप है तो सेट ऑफ के लिए ये सब्जेक्ट आपको बहुत काम आएगा। लास्ट में मैंने खाली डिस्क्लेमर रखा है, डेट्स आर टेंटेटिव बिकॉज मेरे काफी और भी बैचेस चल रहे हैं, तो इसके लिए ट्राई करूंगा कि आई स्टिक टू द डेट, बट अगर कुछ ऊपर नीचे होता है यू विल बी इन्फॉर्म फॉर श्योर। चलो गाइस, सो इस एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, प्लीज एक कमेंट आप लोगों के प्रॉमिस का, और एक कमेंट आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए उसका, एंड स्टे सब्सक्राइब। टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे कल आपको इवनिंग में 9 to 11, कल मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेशन को, एंड वी आर स्टार्टिंग विद एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। बाकी ये जो स्केड्यूल है सर, ये हमारे को कहां पे मिलेगा, ऑब्वियसली मेरे सामने चैनल्स पे मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, लाइक वेटिंग फॉर दिस इनिशिएटिव एंड लेट्स डू इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। मेरी इच्छा है कि मैं ये ड्यूरेशन में कंप्लीट कर दूं, बिकॉज 3rd October से एनीवेज केस मेरा सीए फाइनल AFM का नया रेगुलर बैच भी स्टार्ट हो रहा है, सो आई विल प्रोबेबली नॉट हैव दैट मच टाइम, सो तब तक वील ट्राई टू कवर अप ऑल ऑफ दिस। Thank you so much. Hasta la vista, guys. Keep smiling. Take care. Bye-bye.